This conference will now be recorded. Ji, assalamu alaikum. Awaaz aa rahi hai bachcho? Can you hear me? Okay, great. Let's wait for a few minutes and then we'll start. A few minutes and then we'll begin. Okay, जी तो कल हमने लिवर्स को डिस्कस किया था. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट. स्किल्स को आज डिस्कस करेंगे और आज इंशाल्लाह हम कर्ट लिविन के दो मॉडल्स रिव्यू करेंगे. फोर्स फील्ड एनालिसिस का मॉडल है और दूसरा मॉडल है पर्सपेक्टिव प्लैंड चेंज थ्योरी का. सो देयर आर टू मॉडल्स टू टॉक अबाउट टुडे एंड देयर आर सम स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट. कल हमने डिस्कस किया था कि स्किल्स जो होते हैं चेंज मैनेजमेंट के, दे आर used by the change managers in a change adept organization. Change adept organization ke andar the change managers hote hain, wo basically in skills ko use karte hain. Just spare a moment. सो चेंज मैनेजमेंट के जो स्किल्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंज एडेप्ट ऑर्गेनाइजेशन. चेंज एडेप्ट एंटिटी के अंदर देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट स्किल्स विच आर डायरेक्टली यूज. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने मॉस्केंटर पढ़ी थी, आपको याद होगा. मॉस्केंटर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती हैं उनको मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी
लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिमेंबर हमने पढ़ा था, उसने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, और उसने कहा था पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली ये मॉस्केंटर का ही मॉडल है, इट इज अगेन द मॉडल ऑफ मॉस्केंटर। मॉस्केंटर ने कहा था कि चेंज एडेप्ट एंटिटीज के अंदर जो चेंज मैनेजर्स हैं, दे शुड हैव दी स्किल्स। नंबर वन, ट्यूनिंग इन द एनवायरनमेंट। चेंज एडेप्ट एंटिटीज के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, दे शुड बी एबल टू ट्यून इन टू द एनवायरनमेंट। उनको एनवायरनमेंट के अंदर ट्यून इन होना चाहिए। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, रोल्स ऑफ मैनेजर में मैनेजर का एक रोल होता है मॉनिटरिंग का। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर बेसिकली किसी भी चेंज प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। रिमेंबर दैट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम बनता है एक इदारे का, हमने ये डिस्कस किया था। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। मैनेजर्स बेसिकली मेक देमसेल्फ अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड व्हाट चेंजेस कैन ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज देम। यानी वो कौन से चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो एंटिटी को नेसेसिटेट करेंगे, उसके लिए नेसेसरी बना देंगे चेंज। तो कैंटर ने कहा था कि मैनेजर्स को चाहिए कि वो एक लिसनिंग पोस्ट का नेटवर्क क्रिएट करें। ये बात भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। लिसनिंग पोस्ट हमने डिस्कस किया था, ईयर्स होते हैं एक इदारे के। लिसनिंग पोस्ट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ईयर्स को। लाइक यू लिसन टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, यू लिसन टू व्हाट्स गोइंग अराउंड। तो मैनेजर शुड बिकम लिसनिंग पोस्ट एंड दे शुड मॉनिटर द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्केंटर कहती है कि कस्टमर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कस्टमर्स आपको आपके ऑपरेशनल वीकनेस के बारे में बताते हैं। अगर कस्टमर की कोई नीड अनमेट रही है, तो कस्टमर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह कंपेटिटर्स होते हैं, कंपेटिटर्स इफ दे आर लॉन्चिंग समथिंग न्यू। तो बेसिकली ट्यूनिंग इन द एनवायरमेंट से मुराद ये है दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग अराउंड यू एंड हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग विजडम, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। देखिए, आप जब तक एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को क्वेश्चन नहीं करते, अंटिल यू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, इसे हम कन्वेंशनल विजडम कहते हैं। तो कभी भी आप इनोवेट नहीं कर सकते, आप कभी भी चेंज नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, पैक ने ये जो स्टार्ट किया स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, इसका जो आइडिया आया था बेसिकली दैट वॉज बैक इन 2014 दिसंबर, तकरीबन 4 साल पहले। 2014 के दिसंबर में एपीएस का वाकया हुआ था, इफ यू रिमेंबर दैट, याद है आपको? अच्छा, उस वाकये के अंदर फिर उसके बाद थ्रेट्स मिले तालीमी इदारों को, तो बहुत सारे तालीमी इदारे फिर बंद हो गए। तकरीबन 1 महीने के लिए एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो जपडाइज हो गया, ठीक है, रुक गया। अच्छा, आईकैप ने अपनी एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं की, और उस वक्त आप समझ लें लाइक दिसंबर इज द फुल स्विंग ना आपका, जो दिसंबर आएगा ये मिड टर्म्स के लिए। और उस वक्त 2014 में, चूंकि इट वाज लाइक कैफ को नया नया इंट्रोड्यूस किया गया था, कैफ की पहली अटेम्प्ट थी सितंबर 14 में, तो 2015 के मार्च के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो कैफ की दूसरी अटेम्प्ट थी। तो एक तो स्कीम भी नई थी बिल्कुल, उसके अलावा फिर कोर्स भी फुल स्विंग में होता है मिड ऑफ द टर्म के अंदर। दिसंबर आपका सेमेस्टर का मिड बन जाता है ना, अभी ऐसे दिसंबर आएगा तो मिड आ जाएगा, तो कोर्स भी फुल स्विंग में था। तो अचानक 14-15 दिसंबर से 22 जनवरी तक सवा महीने की ब्रेक आ गई। सवा महीने तालीमी इदारे काम ही नहीं किया किसी ने भी। अच्छा, जब 22 जनवरी को इंस्टीट्यूट दोबारा ओपन हुए, तो आईकैप ने अपनी एग्जाम डेट चेंज नहीं की। आईकैप ने कहा नहीं जी, एग्जाम तो मार्च में ही होंगे, डेट में होंगे। बड़ी टर्बुलेंस पैदा हुई, दिस वॉज ह्यूज टर्बुलेंस, स्टूडेंट्स बहुत डिस्टॉर्ट हुए। उस वक्त फिर एक थॉट क्रिएट की पैक ने, जिसे कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करना कहते हैं। ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि पैक ने उस वक्त सोचा कि इज देयर एनी अदर वे टू टीच स्टूडेंट, क्लासरूम लर्निंग के अलावा क्या कोई और मोड हो सकता है टीचिंग का। तो वहां से फिर ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ पैक में, और कहा कि ओके फाइन, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। इवन दो, मतलब दैट वाज द यू नो स्टार्टिंग थॉट, ये बिगिनिंग थॉट थी कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए, स्टूडेंट घर बैठ के पढ़े, स्टूडेंट जो है वो अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में क्लासेस ले। सो जब तक आप कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज नहीं करते, अंटिल यू चैलेंज कन्वेंशनल विजडम मींस अंटिल यू क्वेश्चन द एक्सेप्टेड व्यूज अबाउट व्हाट इज नेसेसरी ऑफ द वेज दैट थिंग शुड बी डन। कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करना बड़ा जरूरी है। एक काम वो कहते हैं कि इफ यू विल कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग।
इट्स वेरी सिंपल, मेरा जिंदगी का इट्स आप समझने, मेरी लाइफ को फोकस्ड रखने का ये बड़ा सादा सा एक जुमला है जो मैं रोज इसको अपने आप को सुनाता हूँ। जो करते रहे हैं वो करते रहेंगे, तो जो मिलता रहा है वो मिलता रहेगा। वेरी सिंपल, इफ यू विल कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। सो यू हैव टू चेंज, आपको कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करना पड़ता है, आपको चेंज होना पड़ता है। और अच्छा चेंज मैनेजर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेलिंग विजडम को चैलेंज करता है, प्रिवेलिंग विजडम को चैलेंज करता है। देन कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग एस्पिरेशन, कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग एस्पिरेशन। ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा, प्लीज आई हैव टू टेक अ कॉल, एक सेकेंड। This conference will now be recorded. Conventional wisdom को challenge करना पड़ता है। Okay, fine. Let's talk about the third skill and that is aspiration. Aspire करना। Aspire करने का मतलब होता है किसी को motivate करना। Aspire कहते हैं to motivate someone. एक change manager जो होता है, he must be having a skill to aspire others. देखें, अगर आप खुद clear हैं अपने idea के मुतालिक, what you want to achieve, then you should be able to communicate this idea to everyone you deal with. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनवीएनिंग, इसे कहते हैं एनवीएनिंग। एनवीएन का मतलब होता है अपना वीएन किसी को देना, एनवीएनिंग कहते हैं टू गिव योर वीएन टू समवन एल्स, इस प्रोसेस को हम एनवीएनिंग कहते हैं। यानी आपके पास एक वीएन होता है एंड यू ट्राई टू सेल योर वीएन टू समवन एल्स, आप अपना वीएन किसी और को देने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव सम पर्सनल कन्विक्शन, जब आप पर्सनल कन्विक्शन शो करेंगे, व्हेन यू विल हैव पर्सनल कन्विक्शन दैट चेंज इज नेसेसरी, तो विदाउट दिस सेंस ऑफ पर्पस यू विल नॉट बी एबल टू सेल द नीड फॉर चेंज टू अदर्स, आप किसी और को नीड फॉर चेंज सेल करने के काबिल नहीं होंगे। सो कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग एस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कोलिशन, कोलिशन बिल्डिंग कहते हैं, कोलिशन कहते हैं ग्रुप्स को, टू मेक ग्रुप्स ऑफ पीपल, कोलिशन बिल्डिंग मीन्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी देखें, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक बंदा अकेला चेंज लेके आ सकता है, चेंज इज नेवर अ वन मैन शो, रिमेंबर दैट, यू नीड सपोर्ट ऑफ पीपल, आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, आपको लोगों के साथ मिलके काम करना होता है, आपको लोगों के साथ कोऑपरेशन में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक आइडिया है एक चेंज का और मुझे 10 लोगों को कन्विंस करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं 10 के 10 के साथ एक मीटिंग कॉल करूंगा एंड आई विल सेल देम दैट आइडिया। चांसेस आर वेरी रेयर कि वो 10 के 10 मेरी बात मानेंगे, चांसेस बहुत कम है कि वो 10 के 10 जो है वो मेरी बात मानेंगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि मैं पहले उनमें से एक के पास जाऊं जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कन्विंस्ड होगा, फिर हम दोनों मिलके तीसरे को कन्विंस करें, फिर तीनों मिलके चौथे को कन्विंस करें, फिर चारों मिलके पांचों को कन्विंस करें। ये सपोर्ट गेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू ऑलवेज हैव टू गेन द सपोर्ट ऑफ अदर्स। Okay, I'm sorry, पता नहीं कोई नेट का इशू है यहाँ पे, I don't know, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। अब आ रही है आवाज,
just calling him. Is it clear now? Okay. Coalition building के अंदर आप basically group बनाते हैं. You try to win support of people. You try to get full cooperation of people. ठीक है? Resources के बगैर ये तो बड़ी simple सी मिसाल है. आपने अगर Islamic history पढ़ी है थोड़ी सी. नहीं, team spirit एक अलग चीज़ है बेटा. That's something different. Team spirit तो ये है कि team बन गई है. अब वो team किस तरह आपस में mutually मिल के काम कर रही है किसी goal को पूरा करने के लिए. Spirit de corps, exactly. वो एक अलग फिनोमेना है. लेकिन उससे पहले टीम बनानी भी तो है ना. ये प्रोसेस टीम बनाने का है. टीम स्पिरिट टीम बनने के बाद आती है. ठीक. तो कोलिशन बिल्डिंग इस टू ये इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल आपको मिलती है इस्लामिक हिस्ट्री में. मुझे भूलना जाए एग्जांपल मैं लेकर कोट कर दूं. जब ये इस्लाम का जहूर हुआ था और जब ये नबूवत का प्रोसेस इनिशिएट हुआ था तो आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली सुना होगा कि हमारे नबी ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि जो दो सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग थे मक्का के उमर बिन खत्ताब था और अबू जहल. ठीक है. उन दोनों में से किसी एक को नबी ने बाद में दुआ की थी कि मेरे साथ मिला दे अल्लाह का. एंड देन अल्टीमेटली देन उमर बिन खत्ताब जो है वो फिर आपके साथ. क्योंकि देखें ही बिकॉज ही नीडेड सम इन्फ्लुएंस बिकॉज ही नीडेड सम रिसोर्स. रिमेंबर दैट. तो चेंज हमेशा इन्फ्लुएंस के साथ आता है रिसोर्स के साथ आता है. इफ यू कैन गेट सम गुड रिसोर्स यू कैन ऑलवेज ब्रिंग अ चेंज. बट इफ यू आर अनएबल टू कैप्चर सम रिसोर्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ चेंज मेक अ डिफरेंस. ठीक है. देन वी हैव लर्निंग टू परसवियर. परसवियरेंस का मतलब ये होता है आप सेटबैक से और डिफीट से घबराते नहीं है. यू आर नॉट अफेक्टेड बाई सेटबैक्स एंड डिफीट्स. जब आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो आपको डिस्टॉर्शन भी मिलेंगी सेटबैक्स भी मिलेंगे डिफीट्स भी मिलेंगी. बट यू नीड टू परसवियर. ठीक है. मेकिंग एवरीबडी अ हीरो. ये इंसानी फितरत है. इसे हम एक नाम देते हैं. इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. इसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये होता है कि दिस इज ह्यूमन नेचर कि जब आप कुछ अचीव करते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप उसका सेहरा अपने सर से जाते हैं. अगर आप पास हो जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत की थी यार. उफ आई वर्कड अ लॉट. खुदा ना खास्ता अगर आप फेलियर को एनकाउंटर करते हैं तो आई कैप पैड़ा है आई कैप बकवास है पेपर ही मुश्किल था. इट्स वेरी कॉमन. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट व्हेन वी सक्सीड वी ट्राई टू टेक ऑल द क्रेडिट. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी फेल वी ब्लेम अदर्स. जब हम कामयाब होते हैं तो हम कामयाबी का सेहरा. तो अच्छा चेंज मैनेजर वो होता है जो हर किसी को ड्यू क्रेडिट दे फुल क्रेडिट दे उसकी एफर्ट्स का जिस जिसने उसको हेल्प की है चेंज को लाने में. एवरीबडी शुड बी मेड फेल्ट दैट देयर एफर्ट्स आर फुली अप्रिशिएटेड. सो ये छह के छह स्किल्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चेंज प्रोसेस में. एक चेंज मैनेजर जो है वो छह स्किल्स को यूज करता है और इन स्किल्स को यूज करते हुए वो मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से लोग इन छह स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम मॉडल्स ऑफ चेंज. चार मॉडल्स ने चेंज के पेपर में तीन आ चुके हैं अभी तक. और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए दीज मॉडल्स आर वेरी नेसेसरी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को मैनेज करना पड़ता है. हमने पहले भी बात की थी कल. इंक्रीमेंटल चेंज को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती और अनप्लैंड चेंज को मैनेज करने का टाइम नहीं होता. तो प्लान ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को मैनेज किया जाता है. रिमेंबर दैट. इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू मैनेज प्लान ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस. तो जब आपने प्लान ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस को मैनेज करना होता है तो वहां पर हम कुछ मॉडल्स यूज करते हैं. पहला मॉडल है कर्ट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल. कर्ट लेविन एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था अमेरिका में. इसने थ्योरी बनाई जिसको इसने का नाम दिया फोर्स फील्ड एनालिसिस का. ही कॉल्ड दिस थ्योरी फोर्स फील्ड एनालिसिस. इसने कहा कि किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर डिफरेंट फोर्सेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं प्लान चेंजेस के ऊपर. दो किस्म की फोर्सेस होती हैं. वन आर नोन एज ड्राइविंग फोर्सेस अदर आर नोन एज रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस. ड्राइविंग फोर्सेस जो है ये चेंज प्रोसेस को ट्रिगर करती हैं. रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस अपोज करती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर करंट स्टेट. आप यहाँ खड़े और आपने यहाँ जाना है. दिस इज वेयर यू वॉन्ट टू गो. ये ड्राइविंग फोर्सेज हैं जो चेंज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हैं और ये रीस्ट्रेनिंग फोर्सेज जो चेंज को रोके रखे हैं. अगर ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड रिसेनिंग फोर्स से ज्यादा होगा तो ये मूवमेंट हो जाएगी. आप करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे आ जाएंगे. लेकिन अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा
तो आप करंट स्टेट में ही रहेंगे, आप चेंज नहीं होंगे, यू विल नेवर चेंज. नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर दोस की फोर्सेस एंड हाउ दोस फोर्सेस इंटरैक्ट टुगेदर टू ब्रिंग द चेंज. तो कर्ट लेविन कहता है कि ड्राइविंग फोर्सेस वो हैं जो चेंज को सपोर्ट करें, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो हैं जो चेंज को अपोज करें या उसको रेजिस्ट करें. पेपर में क्वेश्चन आया था मार्च 2017 में, देयर वाज अ सिचुएशन गिवन और सिचुएशन में कहा गया था कि आइडेंटिफाई करें ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन कौन सी. एग्जाम क्वेश्चन था कि गिवन एक सिचुएशन दी गई थी और उस सिचुएशन को देखकर पूछा गया था कि बताएं सिचुएशन में ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं और इस सिचुएशन में रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन कौन सी. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से जो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो कोई फैक्टर रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकता है, कोई फैक्टर ड्राइविंग फोर्स हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल इन्वॉल्व इन द चेंज दैट माइट बी अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्फ. अब अगर तो ये वो लोग हैं, अगर ये पीपल जो है वो सीनियर मैनेजमेंट है जो चेंज लाना चाह रही है तो ये ड्राइविंग फोर्स होगी. और अगर ये वो लोग हैं जो स्टेटस क्वो को बरकरार रखना चाहते हैं तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी. हैबिट्स एंड कस्टम्स ये मेनली रिस्ट्रेनिंग फोर्स होती है, दिस इज रिस्ट्रेनिंग फोर्स. एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, अगर एटीट्यूड्स पॉजिटिव हैं तो ये ड्राइविंग फोर्स है, नेगेटिव है तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है. इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, अगर तो लोगों के रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं, सपोर्टिव हैं तो ये ड्राइविंग फोर्स होगी, और अगर लोगों के रिलेशनशिप्स जो हैं वो वीक हैं, अनसपोर्टिव हैं तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाएगी. इसी तरह हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, अप्रोप्रिएट वर्सेस इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर. अगर तो स्ट्रक्चर चेंज को सपोर्ट कर रहा है, अप्रोप्रिएट है, तो ये ड्राइविंग फोर्स बनेगी, और अगर स्ट्रक्चर जो है वो इनअप्रोप्रिएट है तो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाएगी. वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड कहते हैं छुपे हुए, मख्फी. वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं लोगों के, ये भी ड्राइविंग फोर्स भी होती है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी होती है. एंटिटी की पॉलिसी, ये नॉर्मली रिस्ट्रेनिंग फोर्स होती है, ये रेजिस्ट करती है. जितनी सख्त पॉलिसीज होंगी उतनी रिस्ट्रेनिंग फोर्स बढ़ेगी. इसी तरह रेगुलेशंस, देखें ब्यूरोक्रेसी में हमने पढ़ा था ना, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना मुश्किल होता है, वो इसलिए मुश्किल होता है कि ब्यूरोक्रेसी में पॉलिसी और रेगुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है. इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू चेंज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज. रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है दैट इज अगेन अ ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स. रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो चेंज जल्दी आएगा. इवेंट्स, हैपनिंग्स, अकरिंग्स, ये भी ड्राइविंग फोर्स होती है. एनवायरमेंट में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ये भी ड्राइव करते हैं चेंज को. तो कर्ट लेविन कहता है कि बेसिकली किसी भी सिचुएशन में हमें ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करना होगा. वी हैव टू मेजर देम, और इसको मेजर करते हैं 1 to 5 की स्केल के ऊपर. वी मेजर देम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल ड्राइविंग फोर्सेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ टोटल रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज कैन देयरफॉर बी मेजर्ड, ठीक है, इनको आप मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी भी गिवन सिचुएशन में, लेट सपोज आपने मेजर किया टोटल 5 ड्राइविंग फोर्स हैं, पहली ड्राइविंग फोर्स, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, और आपने हर ड्राइविंग फोर्स जो है उसका एक मैग्नीट्यूड मेजर किया. यू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ इट. फॉर एग्जांपल पहली ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 था, दूसरी का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, तीसरी का मैग्नीट्यूड, ये हम एक स्केल पे मेजर करते हैं. वो स्केल कैसे बनाते हैं वो एक अलग कहानी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. ठीक, ये आपने कुछ मैग्नीट्यूड मेजर कर लिए ड्राइविंग फोर्सेस का. ओके फाइन, ठीक है. सो टोटल मैग्नीट्यूड कितना हुआ ड्राइविंग फोर्स का, टोटल मैग्नीट्यूड हो गया ड्राइविंग फोर्स का, दैट इज दिस इज 7, 12 and 5, 17. टोटल मैग्नीट्यूड जो है 17 हो गया. इसी तरह आपने रिस्ट्रेनिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर कर लिया. ओके फाइन, लेट्स से वी हैव टोटल 4 रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, टोटल 4 रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, ठीक है. अच्छा, पहली रिस्ट्रेनिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है दैट वाज लेट्स से 5, दूसरी का 4, तीसरी का भी 5, चौथी का भी 5, लेट्स सपोज, ठीक है. देयर इज अ टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ 19. चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रेनिंग फोर्स ज्यादा है ड्राइविंग फोर्स से. तो कर्ट लेविन कहते हैं कि चेंज लाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा के 17 से 20 पे ले जाए, ठीक है. लेकिन इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग जब आप ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे होंगे साथ साथ रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी स्ट्रांग हो रही होगी, ये भी फिर 19 से 24 पे आ जाए, 23 पे आ जाए, लेट्स से. तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू डू सो, ठीक है जी. वो इसलिए कि जब आप
ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो लोगों की रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, एक बच्चा जिद कर रहा है, मतलब लेट से मेरा बच्चा जो है वो जिद कर रहा है किसी टॉय के लिए, अगर मैं जबरदस्ती करूंगा ना उसके साथ, इफ आई विल स्कॉल्ड हिम, डांटूंगा कि नहीं लेना, वो और जिद पकड़ेगा। मैं जितनी ड्राइविंग फोर्स बढ़ाऊंगा उतनी रिस्ट्रेनिंग फोर्स बढ़ाएगा। अच्छा तरीका क्या है कि मैं उसकी रिस्ट्रेनिंग फोर्स कम करूं, उसे लॉजिक दूं, प्यार से समझाऊं, उसके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करूं, उसको कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव दूं, क्योंकि फाइन चलो टॉय नहीं लेते कुछ और ले लेते हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि जब आप ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाते हैं तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स साथ इक्वली स्ट्रांग हो जाती है। रीड दीज टू लाइन्स। कर्टलेविन कहता है कि चेंज विल नॉट अकर इफ रेजिस्टिंग फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द ड्राइविंग फोर्सेस। चेंज इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर चेंज आर स्ट्रॉन्गर देन द रेजिस्टिंग फोर्सेस। नाउ की चेंज मैनेजर का की टास्क ये होता है कि उसने इंश्योर करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेंथ ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ही हैज टू मेक श्योर कि ड्राइविंग फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये कैसे वो कर सकता है, हाउ कुड ही डू दैट? ये दो तरीके हैं। नंबर वन, ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन करें। अपेरेंटली इट सीम्स द बेस्ट आंसर। अपेरेंटली ये बेहतरीन आंसर लगता है हमें कि स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइविंग फोर्स को हम बढ़ाएं। हाउएवर, कर्टलेविन कहते हैं कि जब आप ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यू विल रन इनटू अ रिस्क दैट रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस विल आल्सो ग्रो स्ट्रॉन्गर। आप जब ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी। सो बेस्ट अप्रोच क्या है फिर? ट्राई टू रिड्यूस द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। और ये कैसे करेंगे? रिमेंबर, लिवर्स और स्किल्स को यूज करके। पहले आइडेंटिफाई करें रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन कौन सी है और फिर उसको लिवर्स या स्किल्स के थ्रू रिड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल, इश्यूज एंड डिफिकल्टीज को डिस्कस करें लोगों के साथ, टू वे कम्युनिकेशन, लिवर पढ़ा था हमने, और बाय ट्राइंग टू विन द सपोर्ट ऑफ की इंडिविजुअल्स, बिल्डिंग कोलिशंस, अभी हमने ऊपर एक स्किल पढ़ा है। तो लिवर्स और स्किल्स को यूज करते हुए आप फिर क्या करते हैं, आप रिस्ट्रेनिंग फोर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट सीम्स द बेस्ट पॉसिबल वे, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ड्राइविंग या रिस्ट्रेनिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। ये एक मॉडल है कर्टलेविन का। पेपर में मार्च 2017 में क्वेश्चन आया था जिसमें एक ही सवाल में कर्ट लिविन फोर्स फील्ड और कर्ट लिविन परस्पेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी दोनों के बारे में क्वेश्चन किया था। पहले पार्ट में पूछा था एग्जामिनर ने कि फोर्सेस आइडेंटिफाई करें, वो फोर्सेस जो चेंज को ड्राइव करेंगे या वो फोर्सेस जो चेंज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और दूसरे पार्ट में उसने क्वेश्चन पूछा था कि बताएं कर्ट लिविन परस्पेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी कैसे अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन के ऊपर, यानी तीनों स्टेजेस चेंज की कैसे अप्लाई करेंगे। सो दैट वॉज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। कर्ट लेविन ने जी आइडेंटिफाई द मेन रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस अगेंस्ट द चेंज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपने चेंज को लेके आना होता है, सबसे पहले आपने रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है ना। एम्प्लॉई का एटीट्यूड रिस्ट्रेनिंग फोर्स है या फिर एम्प्लॉईज की जो ओवरऑल अपना डिमांड है, दैट्स आर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। सो व्हाट टाइप ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस यू आर एनकाउंटरिंग, आप रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कैसे एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है? गेट द व्हाट द पॉइंट? और फिर उस रिस्ट्रेनिंग फोर्स को आइडेंटिफाई करने का और उसको मैनेज कैसे करेंगे। कर्ट लेविन का दूसरा मॉडल है पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी। कर्ट लेविन कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज प्रोसेस है वो तीन स्टेजेस से गुजरता है। चेंज प्रोसेस जो है वो तीन स्टेजेस से गुजरता है किसी भी इदारे के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। जब आप चेंज लेके आ रहे हैं तो वो कौन से इश्यूज हैं जो चेंज को इंस्टिगेट कर रहे हैं, चेंज को ट्रिगर कर रहे हैं, इश्यूज क्या हैं? यू हैव टू आइडेंटिफाई द इश्यूज। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, हाउ कैन यू मेक इंप्रूवमेंट्स, आप इंप्रूवमेंट्स कैसे लेके आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो कर्ट लेविन कहता है कि हम तीन स्टेजेस से गुजरते हैं चेंज को इफेक्टिव बनाने के लिए, अनफ्रीज, मूवमेंट एंड रीफ्रीज। अनफ्रीज में आप क्या करते हैं? अच्छा, अनफ्रीज में हम दो काम करते हैं। पहला काम, हम एम्प्लॉइज को परसुएट करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि करंट सिस्टम में क्या खामियां हैं, व्हाट आर द फ्लॉज इन द करंट सिस्टम, व्हाई चेंज इज नेसेसरी। लेकिन जब तक आप लोगों में डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस कहते हैं बेचैनी को, जब तक आप लोगों में डिस्ट्रेस पैदा नहीं करेंगे, पीपल विल नेवर be willing to accept change. Distress कहते हैं बेचैनी पैदा करना। तो लोगों में हमने current situation के हवाले से बेचैनी पैदा करनी होती है। We have to encourage them to feel that something is wrong in the current situation, and we have to encourage them
वो डिससेटिस्फाई फील करें। तो एम्प्लॉयज शुड बी अनफ्रोजन आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द करंट सिचुएशन। जब तक आप अनफ्रीज नहीं करते तब तक आप चेंज नहीं लेके आ सकते। तो यू हैव टू मेक द पीपल अनफ्रोजन। हाउएवर ये काफी नहीं है। अनफ्रीज करने के बाद उनको आपको एक पॉजिटिव अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव भी ऑफर करना। यू हैव टू ऑफर देम एन अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव। अलोन अनफ्रीजिंग इज नॉट नेसेसरी। आपने उनको एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेट भी देना है। और ये आप कब देंगे? जब आपका अपना वीएन क्लियर होगा। व्हेन यू विल हैविंग अ क्लियर वीएन, अगेन यहाँ पे वही फिर स्किल आ जाएगा कंपेलिंग एस्पिरेशन वाला। मैनेजमेंट मस्ट देयरफॉर डिस्कस द प्रॉब्लम विद द एम्प्लॉइज एंड कम्युनिकेट देयर आइडिया। सो अनफ्रीजिंग की स्टेट में हम दो काम करते हैं। इट इज देयरफॉर अ प्रोसेस नॉट ओनली ऑफ मेकिंग एम्प्लॉइज डिससैटिस्फाइड विद द करंट सिचुएशन, बट इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ पर्सुएडिंग द एम्प्लॉइज अबाउट द नेचर ऑफ द चेंज दैट शुड बी मेड। तो सिर्फ करंट सिचुएशन से डिससैटिस्फाई नहीं करना बल्कि चेंज मुतारिफ भी करवाना है। एग्जैक्टली, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं फिर सोल्यूशन देते हैं। बिल्कुल, खाली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अगर कर देंगे विदाउट गिविंग एनी सोल्यूशन तो इट वोंट हेल्प। इसका तो फायदा ही कोई नहीं होता। इफ यू विल ओनली आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम विदाउट ऑफरिंग अ पोटेंशियल सोल्यूशन तो इट वोंट हेल्प। ये तो अपने आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा ना, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको फायदा पहुंचा है ना बेसिकली, तो आपको सोल्यूशन देने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के साथ साथ फिर आपको सोल्यूशन भी देना है। यू ऑल्सो हैव टू गिव अ सोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम ओनली आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड देन यू ब्रिंग द चेंज। फिर आप मूवमेंट, फिर आप चेंज ले गया। मूवमेंट में अगेन हम वही ड्राइविंग और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। मूवमेंट के अंदर कर्ट लिविंग फोर्स फील्ड मॉडल वाला कॉन्सेप्ट है। रिसोर्सेज देने हैं ड्राइविंग फोर्स के तौर पर, तभी मूवमेंट होगी ना, तभी चेंज आएगा। और साथ ही साथ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को भी इंड्यूस करना है ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो मूवमेंट में हम दोनों काम कर रहे हैं, हम ड्राइविंग फोर्स को भी यूज कर रहे हैं, हम रिस्ट्रेनिंग फोर्स को भी मिनिमाइज कर रहे हैं। In movement, we are doing the two things together. We are building the driving force, and at the same time, we are trying to minimize the restraining force. Resources से मुराद ये है, उनको आप समझ लें, attractive salaries offer करना, number one. उनको physical space देना, infrastructure देना. You see, resources बगैर change नहीं आ सकता ना, obvious सी बात है. It cannot happen. You have to give them resources. ठीक है? और उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन जो है ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स को कम करती है। पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन से रेजिस्टेंस कम होती है। एंड देन यू विल रीफ्रीज। फिर आप रीफ्रीज करेंगे। जब आप चेंज ले आते हैं तो अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरता तो देर इज अ रिस्क के पीपल विल गो बैक टू द ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरता तो लोग ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स की तरफ वापस चले जाते हैं और बेनिफिट्स लूज हो सकते हैं। सो इट इज इसेंशियल कि एक दफा अगर आप चेंज ले आए हैं तो यू शुड बी एनकरेजिंग द पीपल टू कैरी ऑन विद द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और ये एनकरेज करने के लिए रिवॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव रिवॉर्ड्स देना, रिवॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनकरेज पीपल टू कीप ऑन कैरिंग विद द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और रिवॉर्ड्स भी वो, आगे जाके पढ़ेंगे 7th चैप्टर में रिवॉर्ड्स पूरा टॉपिक आएगा मोटिवेशन में, रिवॉर्ड्स भी वो जो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स आर ऑलवेज इफेक्टिव एंड मोर इम्पॉर्टेंट। तो रिवॉर्ड जरूर देने हैं लेकिन रिवॉर्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए। द रिवॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये रीफ्रीज की स्टेट होती है। तो बेसिकली अनफ्रीज में दो काम करते हैं। नंबर वन, क्रिएटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड देन गिविंग अ पॉजिटिव अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव फॉर द फ्यूचर। मूवमेंट में भी दो काम करते हैं, एम्पल रिसोर्सेज देते हैं ड्राइविंग फोर्स के तौर पर और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करते हैं टू मिनिमाइज द रीस्ट्रेनिंग फोर्स। और रीफ्रीज में क्या करते हैं, सो दैट पीपल माइट नो गो बैक टू देयर ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, वी गिव देम सम बेनिफिट्स। हम उन्हें रिवॉर्ड देते हैं, एनकरेज करते हैं और इसके लिए हमको रिवॉर्ड करते हैं। रिवॉर्ड वो जो परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं। सो दैट इज कर्ट लिविंस फोर्स फील्ड मॉडल। प्रोसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉइज टू कैरी ऑन विद द न्यू सिस्टम इज कॉल्ड रीफ्रीजिंग। एम्प्लॉइज को नए प्रोसेस के साथ कैरी ऑन करना, उनको एनकरेज करना कि तुम नया प्रोसेस फॉलो करते रहे, इसको हम रीफ्रीज करना कहते हैं। दैट इज नोन एज रीफ्रीजिंग। व्हेन वी मेक एम्प्लॉइज कैरी ऑन विद द न्यू प्रोसेस दिस इज नोन एज रीफ्रीजिंग। ठीक है, इसको हम रीफ्रीजिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस कामयाब वही होती हैं जो एम्प्लॉइज को एक चेंज प्रोसेस से गुजारती हैं। अनफ्रीज करेंगे मतलब देखें, चेंज इज समथिंग ऐसे ही जैसे आपके पास आइस है, बर्फ है जो स्क्वायर शेप में डली हुई है और आपने बर्फ को कन्वर्ट करना है राउंड शेप में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप,
What would be the first thing that you would do? Kya karenge pehla kaam? Melt karenge, shabash. You will melt it. उसे पानी बनाएंगे ना, अनफ्रीज करेंगे बेसिकली, आप उसे अनफ्रीज करेंगे. फिर जब आप उसे मेल्ट कर लेंगे तो आप उसे कोई भी शेप दे सकते हैं, यू कैन गिव इट एनी शेप. ठीक है, अब आप उसे किसी भी शेप में डाल सकते हैं. तो अब आप उसको फिर दोबारा मूवमेंट के थ्रू अपनी मर्जी की शेप देंगे, फिर आप उसे रीफ्रीज करेंगे. अगर आप उसे रीफ्रीज नहीं करेंगे तो चांसेस आर देयर कि वो दोबारा अपनी पिछली शक्ल में जा सकती है. ठीक है, पानी है ना, किसी भी शेप में जा सकती है. ये सब कुछ करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होती है एक चेंज एजेंट की. इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस यू नीड सपोर्ट ऑफ अ चेंज एजेंट. तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो चेंज एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि चेंज को ड्राइव करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए. चेंज एजेंट कैन बी एन आउटसाइड कंसल्टेंट, इट कैन बी एन इनसाइड एम्प्लॉई. आइडियली स्पीकिंग चेंज एजेंट आउटसाइड कंसल्टेंट ही होता है. आइडियल केस सिनेरियो में चेंज एजेंट जो है आउटसाइड कंसल्टेंट होता है. इसका पर्पस क्या होता है? चेंज एजेंट अगेन वही जो हमने स्किल्स और लिवर्स डिस्कस किए थे, सारी वही वाली बातें दोबारा होंगी. ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है पेपर में, बी वेरी क्लियर, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है. चेंज एजेंट का रोल क्या होता है, कौन से स्किल्स यूज करता है, और आउटसाइड कंसल्टेंट के तौर पर हम चेंज एजेंट को क्यों हायर करते हैं, व्हाई डू वी हायर चेंज एजेंट एज एन आउटसाइड कंसल्टेंट. तो चेंज एजेंट क्या करता है, रीजंस फॉर चेंज एक्सप्लेन करता है, एम्प्लॉयज को रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं, जहां तक मुमकिन हो सके लोगों को इन्वॉल्व करता है. अगेन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी ऊपर पढ़ा हूँ. मेंटेन टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, अब ये भी लेवर पढ़ा था हमने. जहां तक मुमकिन हो सके ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग और एजुकेशन भी हमने लिवर में पढ़ा था. एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ चेंज टू द इंडिविजुअल अफेक्टेड, ये भी हमने स्किल्स में पढ़ा था. कंपेलिंग एस्पिरेशन के अंदर बेनिफिट्स देना, अपना वीएम किसी को बेचना. तो बेसिकली दीज फोर पॉइंट्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम लिवर्स एंड सम स्किल्स. तो अगर आपको लिवर्स और स्किल्स आते हैं तो आप चेंज एजेंट के रोल को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ यू नो लिवर्स एंड स्किल्स यू कैन इजीली एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेंज एजेंट. आइडियली स्पीकिंग चेंज एजेंट शुड बी एन आउटसाइड कंसल्टेंट, समवन बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गन. क्यों, रीजन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होता है और फेयर होता है, अनबायस्ड होता है, लोग उसे अनबायस्ड समझते हैं. एक्सपीरियंस जो होता है उसके पास चेंज प्रोसेस को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होता है, उसके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज को मैनेज करने का भी एक्सपीरियंस होता है, तो वो एडवाइस कर सकते हैं. और लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस चूंकि आसानी से गलत हो सकते हैं तो मैनेजमेंट जो है वो फिर लोगों की एडवाइस और हेल्प लेती है. ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो लोगों की एडवाइस और लोगों की हेल्प लेती है. तो ये बेसिकली आउटसाइड कंसल्टेंट को हायर करने का बेनिफिट ये होता है. एक्सपर्टीज, एग्जैक्टली, उसकी एक्सपर्टीज स्ट्रांग होती है. एक्सपर्टीज का मतलब होता है समथिंग That is your core competence. जो आपकी एक्सपर्टीज होती है आपकी कोर कॉम्पिटेंस होती है. थर्ड चैप्टर के पहले हाफ का टेस्ट हो गया था, अभी आपका सेकेंड हाफ का रहता है. अभी ऐसे ही है ना, यू हैव टेकन टेस्ट ऑफ थर्ड चैप्टर फर्स्ट हाफ. मंडे को इनशाला सेकेंड हाफ का टेस्ट अपलोड हो जाएगा. मंडे को यू विल टेस्ट टेक नॉट टेस्ट टेक द टेस्ट ऑफ थर्ड चैप्टर सेकेंड हाफ. और फोर्थ चैप्टर का हम इंशाल्लाह फोर्थ चैप्टर मंडे को कंक्लूड करेंगे और फोर्थ चैप्टर का टेस्ट होगा नेक्स्ट थर्सडे. ठीक है, फोर्थ चैप्टर में हमारे पास दो मॉडल रह गए हैं, जेमिनाई 4R मॉडल रह गया है और 7S फ्रेमवर्क रह गया. ये हम इंशाल्लाह मंडे को वाइंड अप करेंगे और साथ ही मंडे को हम इस चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे. तो मंडे को हम दोनों काम करेंगे. मंडे को विल बी कंक्लूडिंग दिस चैप्टर एज वेल एज मंडे को हम इस चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चन को भी रिव्यू करेंगे. In the meantime, start preparing the second half of the third chapter. Third chapter का पहला test हुआ था आपका पहले तीन parts का, if I'm not wrong, आपका organizational process तक हुआ था. ठीक, तो यहाँ से होगा test, internal external relationship से, यहाँ से लेकर chapter end तक, most appropriate structure, Burn and Stoker, Henry Winsberg, यहाँ तक. ठीक, यहाँ तक होगा. Okay, so you should come prepared for the test on Monday. Precisely, as well as fourth chapter हम मंडे को कंक्लूड करके इसके क्वेश्चन रिवाइज करेंगे. ट्यूजडे वेंसडे एंड थर्सडे तीन दिन हम देंगे फिफ्थ चैप्टर को, कल्चर को. वेरी स्मॉल चैप्टर, बड़ी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह. कल्चर को कंक्लूड करके फिर आखिरी दो दिन बचेंगे, आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं 3rd of December से. आखिरी दो दिन बचेंगे, उन दो दिनों में हम 11th चैप्टर का पहला हाफ कंप्लीट करेंगे. यानी उतना 11th चैप्टर कंप्लीट करेंगे जितना आप AFC में पढ़ के आ चुके हैं, ताकि आपका बर्डन भी कम हो और उसमें रिवीजन भी आपका जल्दी हो जाए.
एएफसी में जो आईटी आपने पढ़ी थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक, लैन वैन, उतना पोर्शन हम कवर करेंगे 11 चैप्टर का। तो आपके पहले 5 चैप्टर पूरे हैं और 11 चैप्टर मैंने पेज नंबर आपको बता दिया है, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 231 to 240, बुक का पेज नंबर 231 से 240, अगर मैं नंबर 231 पे हूँ। ओके, सो योर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हियर दिस इज 11 चैप्टर, दिस इज 231, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 240 तक जाएंगे जो कि लैन वैन की डिबेट है, यहाँ तक हियर, ये वैन तक, ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से ऊपर ऊपर 1.6 तक। ओके, तो ये 11 चैप्टर का पोर्शन होगा, इंशाल्लाह जब कवर करेंगे तब साथ ही ब्रीफ कर देंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर सेकंड हाफ, फिर इंशाल्लाह मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। मोटिवेशनल सेशन चल रहा है, वो जरूर ज्वाइन कर लें, 10 मिनट पहले इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप उस सेशन को ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो जस्ट गो एंड टेक द सेशन, वसी साहब अ वेरी गुड स्पीकर, लिसन टू हिम व्हाट ही हैज टू से। See you then. Okay, Allah Hafiz.